कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान का दमोह नगर आगमन हुआ। दमोह नगर आगमन के दौरान जिला कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों की मौजूदगी रही। वहीं मांडवी चौहान ने बताया कि आगामी दिनों में दमोह में नगरीय निकाय चुनाव के साथ उपचुनाव भी होना है। ऐसे में संगठन को मजबूत करने, महिलाओं को इस चुनाव के दौरान भूमिका को तय करने के लिए उनका आगमन हुआ है और उन्होंने बैठक लेकर के इन सब बातों को समझाया है। साथ ही महिलाएं महंगाई को लेकर के भी घर घर दस्तक देकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगी। देश को एक सहारा दिया और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री बने लेकिन काम इस पक्ष से प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था कि देश के अंदर वो भी दान के और शुक्रवार वाले हम ऐसी पार्टी के सिपाही है जिसका नेतृत्व देश के अंदर सोनिया गांधी कांग्रेस की बाथरूम संभाले हुए हैं और ये बात निश्चित रूप से तय कि कांग्रेस है तो देश है, देश है तो कांग्रेस। कांग्रेस हमेशा कठोर पाकिस्तान से युक्त करने के बाद दोनों बार वहाँ पर भारत वर्ष का झंडा लहराया। इंदिरा जी ने तो बांग्लादेश को आज़ाद किया, बांग्लादेश को आज़ाद करने के बाद में एक सीमा से जहाँ से पाकिस्तान अपने ऊपर आक्रमण करता था और उस पर हमने उसको आजाद कराकर अपनी सीमा को नगर निगम नगर निकायों के चुनाव है और आपके यहाँ उपचुनाव भी है। यहाँ से विधायक जी हमारे चले गए तो उन्हीं की तैयारियों को महिला कांग्रेस कैसे काम करेगी, कैसे अपने बॉर्डर तक जाएगी और कैसे टिकट वितरण में उनकी भागीदारी रहेगी, तो आज बैठक रखी गई है और इस बैठक में हमारी बहनें घर घर द्वार द्वार तक जाएंगी। और 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही है, कमलनाथ जी के जो कार्य रहे हैं उनको घर घर तक पहुंचाने की हमारी महिला कांग्रेस कार्य करेगी और 15 साल की बीजेपी की सरकार ने क्या किया है वो भी घर घर तक पहुंचाने की बात कर रखेगी। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में महंगाई आज आसमान छू रही है, आम व्यक्ति या गृहिणी की हम बात करें हमारी किचन डगमगा गई है। चाहे हम गैस की बात करें या डीजल पेट्रोल की बात करें या मिट्टी के तेल या हम खाने वाले तेल की बात करें, आज जो हमारी पिछली सरकार थी तो हमारी सरकार में 80-90 रुपए लीटर तेल मिल रहा था, आज वही तेल के भाव 140 से 145 रुपए हैं। गैस की बात करें, स्मृति ईरानी सुषमा स्वराज जी सड़कों पे उतरी थी जब हमारे 340-345 रुपए गैस के रेट होते थे, आज गैस आपको पता है कि एक महीने में 175 रुपए के गैस के रेट बढ़े हैं और इनके कान पर जू भी नहीं रेंग रहा है। डीजल पेट्रोल आज देख रहे हैं 100 रुपए लीटर हमारा पेट्रोल हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर महिलाएं घर घर तक जाएंगी। कमलनाथ की जो 15 महीने की सरकार में जो काम हुए हैं और ख़ासतौर से हमारी उन विधवा वृद्धा निराश्रित बहनों को पेंशन की बात करें या फिर हम 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की बात करें या बेटियों के विवाह की बात करें या फिर महिला अत्याचार को रोकने की बात करें, हमारे कमलनाथ जी ने जो बीड़ा उठाया था वो उसको लेके हमारी महिलाएं घर घर तक पहुँची। महंगाई को लेकर जो पहले कांग्रेस की सरकार थी बीजेपी की महिलाएं सड़क पर करती थी, आपकी जो पार्टी की महिला नेता हैं वो अभी तक सड़कों पर क्यों नहीं होती? देखिए लगातार मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस भोपाल की बात करें या जिलों की बात करें आप उठा के देखिए, हमारे जैसे ही महंगाई बढ़ती है हमारी हर क्षेत्र में हमारी महिला कांग्रेस
विरोध करते हैं, चाहे गैस की बात करें या पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर हम खाद्य सामग्री की बात करें। और अभी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय सम्मेलन रखा जा रहा है। सम्मेलन के बाद एक बहुत बड़ा हम सरकार को घेरने जा रहे हैं, जिसमें हमारी यही मांग है कि हम महंगाई को कम करिए। और ये बेटी जो लगातार आपने आज भी आज भास्कर देखा होगा, लगातार हमारी बेटियों के साथ जो रेप गैंगरेप की घटनाएं मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं, इस पर मामा को ध्यान देना चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए। इसको लेके हम महिलाएं संखनाद 8 मार्च को करने वाली हैं कि आप खरीद परोद करके सरकार तो आपने बना ली, लेकिन अगर आप इस सरकार को नहीं चला सकते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, नहीं महिलाएं सड़कों पर उतर के जवाब देंगी और आने वाले समय में हम आपको उस कुर्सी से उठाने का पूरा प्रयास भी करेंगे। स्पष्ट कहूँगा था कमलनाथ जी का, फिर भी सरकार नहीं चला। देखिए कमलनाथ जी सरकार चलाने में कई कोताही नहीं बरती है, ये हमारे उन नेताओं का या उन विधायकों का लालच था जो भाजपा की उस कार्यप्रणाली से प्रभावित हुए और उनके जो खरीद फरोख्त की जहां बात आती है तो उस खरीद फरोख्त में वो फंसे। और हमारे बहुत बड़े जो नेतृत्व करने वाले मध्य प्रदेश के सिंधिया जी थे, उनका बड़ा योगदान रहा, उनका तो इतिहास हम सभी जानते हैं, उनकी दादी के बारे में भी जानते हैं और उनके परिवार ने जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ किया था वो भी हम सब जानते हैं। तो उनके कदमों पर जो लोग चले, आने वाले समय में उनको समझ में आ जाएगा कि हमने कांग्रेस को गिराकर कहां गलती करी। लेकर अभी तक कांग्रेस ने क्या? देखिए हम लोग रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और कल हम लोगों ने आह्वान किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिया है, आज हम लोग योजना बना रहे हैं कि कल 10 बजे से 2 बजे दिन तक सब लोग अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। और इस बात को लेकर जो मोदी जी के 3 काले कानून हैं उनकी वापसी हो और ख़ासकर जो दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल और गैस रसोई के दाम बढ़ा रहे हैं, जिससे आम आदमी का बिल्कुल बजट चरमरा गया है, आम आदमी बिल्कुल परेशान है, उसको लेकर कल हमारा धरना प्रदर्शन और दमोह बंद का आह्वान। देखिए जैसा कि आप सभी को विगत है कि पूरे मध्य प्रदेश में अभी इस समय नगर पालिका और नगरीय निकाय चुनाव है, इस तारतम्य में हमारी प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मांडवी चौहान जी पूरे प्रदेश का लगातार दौरा कर रही हैं और वहां जाकर ये देख रही हैं कि कौन सी महिलाएं जिनको हम निकाल कर प्रत्याशी बना सकते हैं और चुनाव लड़ा सकते हैं। वो हमारी सभी बहनें जो लगातार ज़मीन पर कार्य कर रही हैं उनको आगे लाने के लिए दीदी दिशा निर्देश लगातार हर ज़िले में जाकर दे रही हैं। साथ ही हमारे दमोह में उपचुनाव भी है, इसको लेके भी मांडवी चौहान जी का यहाँ पर आना हुआ है। साथ ही 8 मार्च को जैसा उन्होंने बताया कि एक जिला प्रदेश स्तरीय महिला कार्यकर्ता सम्मेलन आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में होना है, उसके संबंध में भी दिशा निर्देश देने के लिए आदरणीय मांडवी चौहान जी का दमोह आगमन हुआ है। और दीदी की भी कोशिश है, और चूँकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ मेरी भी कोशिश है कि हमारे ज़िले में कोशिश करूँ कि 39 वार्ड हैं अभी जितने, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी बहनों को पार्षद के चुनाव लड़ाएँ।